हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने मोबाइल इंटरकनेक्शन यूसेज चार्ज IUC को 14 पैसे से घटाकर 6 पैसे प्रति मिनट कर दिया। मोबाइल कंपनियां अगर इस कटौती का फायदा ग्राहकों को देती हैं तो काल दरें घटने का रास्ता पूरी तरह खुल जाएगा। नियामक के इस कदम का फायदा नई कंपनी रिलायंस जियो को मिलने की उम्मीद है। वहीं मोबाइल कंपनियों के संगठन कोई ने इस फैसले को गलत करार देते हुए कहा है कि इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। गौरतलब है कि IUC वह चार्ज होता है जो कोई दूरसंचार कंपनी अपने नेटवर्क से दूसरी कंपनी के नेटवर्क पर मोबाइल कॉल के लिए दूसरी कंपनी को देती है। ट्राई ने कहा है कि 6 पैसे प्रति मिनट का नया कॉल टर्मिनेशन चार्ज 1 अक्टूबर 2017 सेकंड प्रभावी होगा और 1 जनवरी 2020 सेकंड इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। ट्राई ने अपने बयान में कहा है कि उसने यह फैसला भागीदारों से मिली राय के आधार पर किया है। COAI के महानिदेशक राजन मैथ्यूज ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, यह अनर्थकारी कदम है। ज्यादातर सदस्य कंपनियों ने संकेत दिया है कि वे संभवतः इस मामले में राहत के लिए अदालत की राह लेंगी। ट्राई के पूर्व चेयरमैन राहुल खुल्लर ने भी मैथ्यूज के विचारों से सहमति जताई है। उन्होंने कहा, अगर आप टर्मिनेशन शुल्क हटाएंगे तो मुख्य रूप से जियो को ही लाभ होगा, क्योंकि वही अन्य नेटवर्क पर भारी ट्रैफिक बोझा डाल रही है। भारतीय एयरटेल इस मुद्दे पर IUC चार्ज को कम करने की मांग करने वाली रिलायंस जियो के साथ विवाद में भी फंसी है। एक अन्य कदम में ट्राई ने दूरसंचार क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक परामर्श पत्र आज जारी किया है। इस परिपत्र में समयबद्ध मंजूरियों, शुल्कों को युक्तिसंगत बनाए जाने और श्रेणीबद्ध जुर्माने का प्रस्ताव है।